आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले संबोधित करते हुए और उसके बाद अब जो बड़ी तादाद में मेहमान यहां पर पहुंचे हैं, अब पूरे देश में, अब चाहे कोई भी जगत से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा, इससे पहले आपने देखा होगा, हर कोई आज यहां पर मौजूद है। निमंत्रण जिन्हें मिला वो यहां पर पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि जो है उनसे मुलाकात करते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इंतजाम भी आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किया गया था, ये वो पल जो ऐतिहासिक हो गया, लोग यहाँ पर उस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं खेल जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर, आपको ये देखिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन न मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अभिषेक बच्चन यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जब की गई और उसके बाद जब संबोधन किया गया तो राम मंदिर, मंदिर तो बन गया है लेकिन उसके बाद अब 1000 साल की कैसे यहां से नींव रख देनी है, इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई दिए और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, ये आप देखिए तमाम वो साधु संत, ये चेहरे आपने इससे पहले भी कई बार देखे होंगे। और चूंकि शताब्दियों का ये इंतजार रहा है, हर किसी का लंबा संघर्ष रहा है, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इस पल की प्रतीक्षा करते हुए, कई सारे तो आज इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अब आज उन सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। साध्वी रतंबरा और शांति मुरारी बापू, ये सभी साधु संत आपको नजर आ रहे हैं और इनसे एक एक करके पीएम मोदी मुलाकात करते हुए, बाबा रामदेव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन सभी से बातचीत करते हुए, क्योंकि पीएम के पास अब वक्त की कमी भी है, 4 घंटा से ज्यादा वक्त उन्हें नहीं गुजारना था, इस 4 घंटे में ही पूरा कार्यक्रम था और अब इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका मंदिर निर्माण में या मंदिर आंदोलन में या फिर प्रभु श्री राम को लेकर भावना किसी न किसी तौर पर रहा ही है और यही वजह है कि ये सभी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। साधु संतों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि इस अयोध्या नगरी में हर कदम पे आपको साधु संत ही नजर आएंगे। देश के चाहे जिस हिस्से में आप देखिए, प्रभु श्री राम को अगर मन में प्रगाढ़ आस्था लिए अगर कोई पहुंचता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अयोध्या नगरी जाए और यही वजह है कि ये तमाम प्रमुख चेहरे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें से कई स्थानीय साधु संत हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो अयोध्या के बाहर रहते हैं लेकिन उन्हें विशेष आमंत्रण पर यहाँ पे बुलाया गया है। पहले उन्होंने जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं और खेल से बिजनेस के बड़े चेहरे हैं, उन सभी से मुलाकात की और अब ये एक एक चेहरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इन साधु संतों ने वाकई लंबा संघर्ष देखा है जिसमें कई ऐसे भी चेहरे हैं जो राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, प्रभु श्री राम के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, रामलला को स्थापित करने को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर, उन सभी की भावनाएं आज अलग ही है। आज एक तस्वीर ऐसी भाव विभोर कर देने वाली सामने आई थी जिसमें उमा भारती और साध्वी रतंबरा दोनों आपस में गले मिलकर आंसू बहा रही थी क्योंकि इस दिन का इंतजार पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने किया था। और ये एक एक साधु संत के चेहरे को आप देखिए, वाकई बेहद खुश है। इनमें से कई चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखते भी आम दिनों में, लेकिन कई ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे भले ही रहते हो लेकिन उनमें